हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है। मेरा नाम है ललिता और आप देख रहे हैं 7 स्टार किचन। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कस्टर्ड आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप दूध ले लिया है। इसको हम इस बाउल में डाल लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। ये आपको मार्केट से बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। मैंने वैनिला फ्लेवर लिया है। आपको जो भी फ्लेवर पसंद है आप उसका ये कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। और अब हम दूध में कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड पाउडर हमें 2 चम्मच लेना है। इस तरीके से पूरा स्पून भर के हम कस्टर्ड पाउडर लेंगे और मिक्स कर लेंगे दूध में। इसे आप ठंडे दूध में ही मिक्स करें तभी ये मिक्स होगा। अदरवाइज़ अगर आप गर्म दूध में इसे मिक्स करने लगेंगे तो इसमें लम्स बन जाते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो कस्टर्ड पाउडर है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। दूध मैंने यहाँ पर फुल क्रीम यूज़ किया है इसलिए आपको क्रीम भी इसमें नज़र आ रही होगी। आप भी फुल क्रीम दूध का ही इस्तेमाल करें। अगर आपके पास फुल क्रीम दूध नहीं है तो उसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर मिला लें ताकि जो दूध है वो पहले से ही गाढ़ा हो जाए। मैंने ये आइसक्रीम बनाने के लिए 1/2 लीटर दूध लिया है। ये फुल क्रीम दूध हमने लिया है यहाँ पर। आधे लीटर में से 1/4 कप दूध में मैंने कस्टर्ड पाउडर पहले से मिलाकर रख दिया है। बाकी के दूध को हम गर्म कर लेंगे। ये देखिए, जो दूध है वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। 1/2 कप चीनी मैंने ली है। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हैं। चीनी दूध में डालने के बाद दूध को हम 1 से 2 मिनट तक और बॉयल होने देंगे ताकि जो चीनी है वो अच्छे से इसमें घुल जाए। चीनी अब अच्छे से घुल गई है। अब हमने जो ये कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके रखा था इसे एक बार और हल्का सा इस तरीके से घोल लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम दूध में मिक्स करेंगे। इसे आप दूध में डालने के साथ साथ मिक्स करते जाएं, नहीं तो ये लम्स बना लेगा। थोड़ा थोड़ा ही डालें और मिक्स करते जाएं। अब लो फ्लेम पे हम इसे लगातार चलाते हुए लगभग 5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो हमारा कस्टर्ड है वो अच्छे से पक जाए। और इसे लगातार चलाते रहना है अच्छे से तले से इस तरीके से लगा के ताकि जो ये कस्टर्ड है ये जमे नहीं। कस्टर्ड को पकाते हुए लगभग 5 मिनट हो चुका है। फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे। इस कस्टर्ड के मिक्सचर को हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही हम इसे यूज़ करेंगे। और अब मैंने यहाँ पर 1 कप फ्रेश क्रीम ले ली है। ये एकदम चिल्ड हमें लेनी है। इसको व्हिप करने के लिए हमें चिल्ड बाउल लेना है। इस बाउल को मैंने लगभग 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो पहले हम इसे लो स्पीड पर व्हिप करेंगे। और उसके बाद लगभग 10 मिनट के लिए हम इसे हाई स्पीड पर व्हिप करेंगे। जब तक ये एकदम क्रीमी ना हो जाए हमें इसे व्हिप कर लेना है। तो ये देखिए, हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से थिक हो चुकी है और काफ़ी इसमें फोम भी बन गया है। अब हमने जो कस्टर्ड का मिक्स बनाकर तैयार किया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये मिक्स पूरे तरीके से ठंडा हो चुका है तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि जब इसमें ये आप मिक्स डालें तो एकदम ठंडा होना चाहिए, नहीं तो अगर ये गर्म हुआ तो इससे हमारी जो क्रीम है वो पिघल जाएगी। और अब मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पिस्ता डाल रही हूँ। 4 से 5 मैंने यहाँ पर काजू कट करके ले लिए हैं, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बादाम ले लिया है, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और अब हम इसे एक बार और ब्लेंड कर लेंगे। अब हमारा जो ये मिक्स रेडी हो गया है आइसक्रीम का, इसे हम एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इस बॉक्स पे हम एक सिल्वर फॉयल लगा लेंगे ताकि हमारा जो ये बॉक्स है अच्छे से एयर टाइट हो जाए और आइसक्रीम के ऊपर बिल्कुल भी आइस ना जमे। आप चाहें तो इसकी जगह पर क्लिंग रैप लगा सकते हैं। इस तरीके से हम इसे बंद कर लेंगे और फ्रिज में रख देंगे। कस्टर्ड आइसक्रीम को मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। इसे रात भर के लिए मैंने फ्रिज में रखा था। तो चलिए अब इसे खोल के देख लेते हैं।
हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं कस्टर्ड आइसक्रीम। कस्टर्ड आइसक्रीम आज मैं बनाने वाली हूँ बिना किसी क्रीम के। कई लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन किया था, क्या हम बिना क्रीम के भी कस्टर्ड आइसक्रीम बना सकते हैं? तो चलिए आज देखते हैं कि बिना क्रीम के कस्टर्ड आइसक्रीम कैसे बनाई जाए। ये आइसक्रीम भी बहुत टेस्टी बनती है। मेरा नाम है ललिता और आप देख रहे हैं 7 Star Kitchen। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है ये 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध, इसे मैं अब इस पतीले में निकाल लूँगी। और अब मैंने यहाँ पर ये बाउल ले लिया है, अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है। इस तरीके से मार्केट में हमें कस्टर्ड पाउडर के डिब्बे मिल जाते हैं। ये हमें 3 चम्मच ले लेना है। इस तरीके से पूरा फुल हम 3 चम्मच इस कटोरी में निकाल लेंगे। यहाँ पर हम किसी क्रीम का यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही लिया है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। लगभग 1/4 कप इसमें हम दूध डालेंगे और कस्टर्ड पाउडर को घोल लेंगे। कस्टर्ड पाउडर को हमें हमेशा ठंडे दूध में ही घोलना है, नहीं तो इसमें लंप बन जाते हैं। तो ये देखिए, कस्टर्ड पाउडर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे एक साइड में रख देंगे। और जो बाकी का दूध बचा है अब हम उसे बॉईल करेंगे। तो अब हमने यहाँ पर दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब जो ये दूध है ये गर्म हो गया है, इसमें बॉईल आ गया है। तो अब हमने जो कस्टर्ड घोल के रखा था वो हम इसमें डालेंगे, लेकिन इसे हम डालने से पहले एक बार इस तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे इसमें डालना है और मिक्स करते जाना है। आप सारा एक साथ ना डालें। इस तरीके से हम इसे डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। फ्लेम को हमें एकदम लो रखना है। इसके साथ ही हम इसमें 1/2 कप चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। एक पिंच में इसमें फूड कलर डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। ये खाली मैं कलर के लिए डाल रही हूँ, कलर को थोड़ा सा एनहेंस करने के लिए। इसे हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना होता है। टोटल इसमें मिक्स करते करते ही ये गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए, इस तरीके का गाढ़ा होना चाहिए। और अब हम इसे साइड में रख देंगे। इसे हमें ठंडा होने के बाद फ्रीज होने के लिए रखना है, यानी कि जमने के लिए रखना है। तो पहले हम इसे ठंडा हो जाने देंगे। तो हमारा जो ये कस्टर्ड मिक्सचर है अब ठंडा हो चुका है। इसे हम सेट होने के लिए एक टिफ़िन में रख लेंगे। और इसे अब हम ढककर 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। तो ये देखिए, कस्टर्ड आइसक्रीम को फ्रिज में रखे हुए मुझे 2 घंटे हो गए हैं। इसे मैंने फ्रीज़र से बाहर निकाल लिया है। अब हम इसके ढक्कन को खोल लेंगे और आइसक्रीम को हम एक बार हैंड ब्लेंडर की मदद से मिक्स कर लेंगे। इसे मैं इस बाउल में निकाल रही हूँ। हमारी जो ये आइसक्रीम है अभी इसे सेमी सेट हो चुकी है। अभी जो मैं स्टेप करने जा रही हूँ, ये स्टेप करने से हमारी जो आइसक्रीम है थोड़ी और क्रीमी हो जाती है। तो पहले इसे मैं लो स्पीड पे करूंगी। और लगभग 1 मिनट तक लो स्पीड पे करने के बाद इसे हम हाई स्पीड पे 3 से 4 मिनट तक कर लेंगे, जब तक कि अच्छे से मिक्स ना हो जाए वापस से। तो ये देखिए, इसे मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और हम इसे वापस से सेट होने के लिए रखेंगे। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं।
या फिर टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे प्लेन ही रखा है और मैं इसे क्लिंग रैप से रैप कर लूँगी। आप चाहें तो क्लिंग रैप की जगह यहाँ पर सिल्वर फॉइल भी लगा सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि जो हमारी आइसक्रीम है उसमें आइस ना जमे। और अब हम इसे ढक देंगे और ढककर हम इसे वापस से फ्रीज़र में रख देंगे। तो ये देखिए हमारी जो कस्टर्ड आइसक्रीम है इसे मैंने फ्रीज़र से बाहर निकाल लिया है। इसे मैंने रात भर के लिए फ्रीज़र में रखा था। तो चलिए अब इसे खोल के देखते हैं ये सेट हुई कि नहीं। हमारी जो आइसक्रीम है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मैं इसे आपको निकाल कर दिखाती हूँ, यानी कि सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी जो कस्टर्ड आइसक्रीम है ये कितनी अच्छी बनी है और कितनी क्रीमी बनी है, और खाने में तो ये बहुत टेस्टी लगती ही है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई ज़रूर करें। सो एवरीवन, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटे का बटन अवश्य दबाएँ ताकि आगे आने वाली और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें।